पाकिस्तानी सेना द्वारा शनिवार को अचानक किरनी कस्बा और दिगवार दलान में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में अचानक से गोलाबारी की, जिसकी चपेट में निरंतर रेखा के नजदीकी दर्जन भर गांव आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सेना की 10 बलोच बटालियन ने शनिवार को सुबह 9:30 बजे के करीब किरनी कस्बा सेक्टर में बिना उकसाए भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों में अचानक छोटे हथियारों के अलावा मोटार शेल दागना शुरू कर दिए। जब भारतीय सेना द्वारा कस्बा केरनी सेक्टर से जवाबी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तानी सेना ने रेंज बढ़ाकर निरंतर रेखा के नजदीकी इलाका माल्टी डोगडी सहित कई इलाकों में रिहायशी इलाकों में मोटार दागने शुरू कर दिए। गाँव में दर्जनों के हिसाब से मोटार गिरे। हाँ सर, रात को भी रुक रुक कर फायर चल रहा था काफ़ी ज़ोर से, तो अभी सुबह जो है 8:30 बजे काफ़ी ज़ोर से फायर शुरू हो गया। कस्बा वैली जो है विलेज है, इसके टॉप के बीच में जो पोस्टें हैं आप देख रहे हो सामने, फायर बहुत धुआं चल रहा था, तो इस बहुत ज़बरदस्त शेलिंग हुई है। लोगों का घरों के नुकसान का भी पता नहीं है, बाद में पता लगेगा, मीडिया टीम गई हुई है। तो हमारे इलाके में सरल गाँव के बीच में इस वक्त तक फायर नहीं हुआ था, बहुत कम फायर होता था। आज पहली बार जो है इस हमारे इलाके में ये फायर जो है हुआ है, काफ़ी ज़ोर से अचानक 5-6 गोले जो है फटे इस एरिया के बीच में लगे हैं। तो इन गोलों से नुकसान नहीं हुआ है कोई, तो हमने गोलों की जगह भी जाकर देखी है, तो हमारे पास बैंकरों की परेशानी है, बैंकर होने चाहिए जिससे लोग अपना बचाव कर सकें। तो गवर्नमेंट जो है फॉरवर्ड के बीच में बिल्कुल एलसी के पास में बैंकर बना रही है, तो वहाँ एलसी के पास में गोले नहीं लगते, गोले इधर हमारे एरिए में दूर दराज में आकर लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बैंकर कोई भी नहीं दिया हुआ, वहाँ फॉरवर्ड पर जहाँ पर बैंकर बनाए वहाँ पर गोलों की शेलिंग नहीं आती, तो इसलिए हमारे पास बैंकर होने चाहिए लोगों को बचाव के लिए, ये हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। इस गोलाबारी में लोगों के घरों को माल मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा। निरंतर रेखा के नजदीक इलाकों में दहशत का माहौल बना है, लोग घर में ही दुबके हुए हैं। आइए देखते हैं पुंछ से सनी शर्मा की ये रिपोर्ट। इस समय हम दलान के इलाका में हैं, जहां आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा गोलाबारी की गई, और यहां पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा बहुत से मकान हैं जिनको नुकसान पहुंचा, तो वहां पे रहने वाले लोगों से बात करते हैं कितने बजे ये गोलाबारी शुरू हुई थी। सर आपका नाम? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जी बताएं सुबह कितने बजे गोलाबारी की? 8:30 सुने गए, 12 बजे थोड़ी 2-3 घंटा रही गोलाबारी। गोलाबारी किस ना नुकसान हुआ? 3-4 मकान जड़ा शकर दीन को, नूर दीन को, मोहम्मद सदीक को, सारा का मकान जूस भी थोड़ा थोड़ा नुकसान है, लेकिन मकान थोड़ा को ज्यादा नुकसान है। मकान के ऊपर देख सकते कुछ मौका है, मकान के ऊपर लगा हुआ गोला नुकसान है। बकरी सदीक की बकरी लाहरी बकरी नाल त्रै बच्चा आपा नुकसान होगी। सवेरा का बछाड़ है लगा हुआ, इस वजह थोड़ी किसी ने पानी की कोट भरने वास्ते तो बंदो अंदरों बाहर नहीं जा सकते, उधर बड़ा नहीं जा सकते। तो प्रशासन की तरफ से यहाँ बैंकर वगैरह दिए गए? कोई बैंकर हमला आज थोड़ी नहीं जीता जनाब, आर्मी का सीओ ने कह सो के आज हम फिल फोरी तो मिला हूँ 8 दिन का पर 4-6 मकान जरा ये पोस्ट का नजदीक का है रेंच का भी 5-6 बैंकर देंगे, लेकिन इस वजह थोड़ी कोई बैंकर नहीं है, मारा को बैंकर नहीं है। बैंकर उन जगह का भी बुलाया कि आज मदानिया जगह में आगे लेगा बैंकर बुलाया कि जी फैर ही नहीं हो, तो बैंकर की जरूर थी कि आज बैंकर की आगे जरूर थी, कोई बैंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ हमें कोई सरसल्टी नहीं है। हमारी रोड ये बात लाता 10 साल हो गया रोड पर टिकल सटी हुई, एक गैल बनी नहीं। इस समय हम दलान आए थे जहाँ आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गोलाबारी की गई है, तो हमने लोगों से बात की है तो लोगों ने भी हमें ये बताया है कि प्रशासन की तरफ से आज तक यहाँ पे कोई बैंकर कोई कुछ नहीं दिया गया। कैमरामैन निपुण खजूरिया के साथ मैं सनी शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़ पहुँच।